सब्सक्राइब करें स्मार्ट पे ऑनलाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हमारे जितने भी यूट्यूबर्स क्रिएटर्स हैं उन सभी को एक यूट्यूब की तरफ से मेल आ रहा है। तो एक्चुअली ये यूट्यूब की तरफ से मेल नहीं है, ये बिल्कुल जो मेल है वो फेक ईमेल है और किसी के द्वारा इसको भेजा जा रहा है। अगर आप भी एक YouTube क्रिएटर्स हैं तो आपको ये YouTube की तरफ से मेल मिल सकता है जो कि बिल्कुल फेक होगा। अगर आप उस ईमेल का रिप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट जो है वो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए या फिर बंद ही हो जाए। इस मैटर पे YouTube ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ऐसी ईमेल आपको कभी भी सेंड नहीं की जाती और ऑफिशियली तरीके से आपको कभी भी आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं जैसे कि पासवर्ड, आपका जो ट्विस्टिव वेरिफिकेशन कोड होता है वो कभी भी मांगा नहीं जाता। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ईमेल है वो किस तरीके के फॉर्मेट में होते हैं। ऐसे में जो ईमेल मिलते हैं आपको आपके कंडीशन के अनुसार ही मिलते हैं। तो अगर आपका जो चैनल है वो रिव्यू में है तो आपको इस तरीके का ईमेल मिलेगा कि आपका जो चैनल है वो रिव्यू में है और हम यहाँ से रिव्यू करेंगे, कुछ उसमें प्रॉब्लम है, आप अपना जो पासवर्ड है, जो यूजर नेम है, जो आपका चैनल का जो लिंक है, आप उसको हमें रिप्लाई कीजिए इस फॉर्मेट में जो हम आपको ईमेल सेंड किए हैं। साथ में अगर आपने उसमें ट्विस्टेड वेरिफिकेशन रखा है तो आप उसको 3 दिनों के लिए ऑफ़ कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपका जो पासवर्ड है वो कभी मांगा नहीं जाता, आपका जो ट्विस्टेड वेरिफिकेशन है वो आपके लिए ही बनाया गया है क्योंकि उससे आपकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और ऐसे में आपका कोई भी अकाउंट चुरा नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ट्विस्टेड वेरिफिकेशन का, सबको यूज़ करना चाहिए। लेकिन उस ईमेल में आपको इतना लिखा रहेगा कि आपका जो ट्विस्टेड वेरिफिकेशन है उसको भी ऑफ़ करना है, तो आप बिल्कुल कभी भी उसका रिप्लाई मत कीजिए। और वहाँ पे आप देखिए कि ईमेल कहाँ से आया है, तो आपको जब भी ईमेल आएगा तो उसका जो @ के बाद जो डोमेन होता है, जो सब डोमेन होता है, वो youtube.com या फिर ytpartner ऐसे करके ईमेल आता है, तब आप समझ सकते हैं कि ये जो ईमेल है वो ऑफिशियली है। नहीं तो अगर आपका कोई भी किसी भी डोमेन से आता है उसके अंत में जो है लास्ट में अगर जीमेल है, याहू है, MSN है या फिर और भी कोई डोमेन है, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि ये जो ईमेल है ये बिल्कुल फेक है, आप बिल्कुल रिस्पॉन्स ना कीजिए। हो सके तो अपना ईमेल भी उसको ओपन ना कीजिए उस लिंक को और आप तुरंत उसको डिलीट कर दीजिए। हो सके तो आप गूगल को रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि इस तरीके का जो मैसेज है मुझे मिल रहा है, तो आप इससे जो है कि नहीं इन्वेस्टिगेट करें। दूसरा जो कंडीशन है वो है कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज है लेकिन जो आपकी अर्निंग है काफ़ी स्लो हो रही है, काफ़ी लो हो रही है, सब्सक्राइबर आपको बहुत ज़्यादा है पर ऐसे में भी आपको ईमेल मिलता है। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप अपना कभी भी ईमेल कहीं भी शेयर मत कीजिए। जिस अकाउंट पे आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिस ईमेल पे आप अपना जो ब्लॉगर अकाउंट है उसको चलाते हैं, आप उस ईमेल को कहीं भी मत दीजिए। कॉन्टैक्ट अस या फिर अबाउट अस कहीं भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑब्वियसली जो यूज़ करते हैं, जिस अकाउंट से उन्होंने अपना यूट्यूब क्रिएट किया हुआ है, उस ईमेल को अपने अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पर डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो चांसेस होते हैं अकाउंट के चुराने के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप हमेशा एक दूसरा ईमेल यूज कीजिए। हो सके तो आपका जो ईमेल है, जो भी आपका यूट्यूब का ईमेल है, आप उसको कभी भी पब्लिक प्लेस में कभी लॉगिन ना करें, जैसे कि किसी के सिस्टम पे, किसी के मोबाइल फ़ोन या फिर कहीं भी साइबर कैफ़े में। आप इससे बचिए और अपना अकाउंट सुरक्षित रखिए। तो बात ये है कि आपको एक ईमेल आएगा और उसमें लिखा गया होगा कि आपका जो मोनेटाइजेशन है वो काफ़ी स्लो है और हम यहाँ पे आपका जो चैनल है वो रिव्यू करेंगे, तो इससे में आपको अपना YouTube का जो URL है वो देना पड़ेगा, आपका जो पासवर्ड है वो देना पड़ेगा, ट्विस्टेड वेरिफिकेशन है तो आपको उसको 3 दिनों के लिए ऑफ करना पड़ेगा। अब सोचिए कि 3 दिन के अंदर क्या वो 1 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, आपका जो कंट्रोल है उस अकाउंट से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। और वो क्या करते हैं, यहाँ पे गूगल ने एक सर्विस दी है यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे जाके वो लोग आपके अकाउंट में लॉगिन करके और अपना जो होता है उनका अकाउंट उसमें वो आपका जो भी सर्विसेज हैं, यूट्यूब, ब्लॉगर, चाहे जो भी हो, उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो आप लॉगिन कर पाएंगे लेकिन आपका जो अकाउंट है उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका यूट्यूब का चैनल होता है, आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन ही नहीं होगा। ऐसे में कहेंगे ये किसी और की गलती, ऐसे में कहेंगे आपकी ये गूगल या फिर यूट्यूब की गलती हो सकती है लेकिन आपका अकाउंट तो चुरा लिया गया है। तो ऐसे में आप बिल्कुल केयरफुल रहिए। हो सकता है आपको कुछ दिन में ईमेल मिल जाए, तो मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया क्योंकि आप जो क्रिएटर्स हैं आप सभी को हेल्प मिल सके, आप इसके बारे में सभी जो कि अवेयर हो जाएं और खासकर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है सभी तक पहुँचनी चाहिए, जितने हमारे क्रिएटर्स भाई हैं
उन सभी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक जो क्रिएटर्स है मुझे पता है कि वो कितनी मेहनत करता है, दिन रात रिसर्च करके कंटेंट तैयार करना, उसके बाद वीडियो एडिट करना, उसको अपलोड करना, थंबनेल क्रिएट करना, उसके ऊपर व्यूज़ कमाते हैं ये भी अलग बात है। तो ऐसे में अगर इस तरीके से आपका चैनल आप ग्रो करते हैं और वैसे में अगर आपका अकाउंट चुरा लिया जाता है तो ये एक बैड न्यूज़ होता है आपके लिए। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है इस बारे में। आपको किसी भी ईमेल का रिप्लाई नहीं करना है, जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है तो आपको उसका रिप्लाई नहीं करना है। अगर आपने अभी तक अपने ब्लॉगर या फिर यूट्यूब के लिए 2C वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो सेटिंग्स में जाइए अपने माई अकाउंट में और वहाँ पे 2C वेरिफिकेशन जो सर्विसेज है उसको ऑन कर लीजिए। आपका जो अल्टरनेट जो फ़ोन नंबर है उसको ऐड कीजिए, हो सके तो दो नंबर ऐड कीजिए, और जो ईमेल है वो आप एक और ईमेल ऐड कर लीजिए, दो ईमेल ऐड कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको जो रिकवरी होती है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, आपका अकाउंट तुरंत रिकवर हो जाता है और जो आपका अकाउंट है वो काफ़ी सिक्योर होता है। तो मैंने इस चैनल पे जो है कि यूट्यूब रिलेटेड भी वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको यूट्यूब रिलेटेड मिल जाएंगे, जो एडसेंस है, जो ब्लॉगिंग की जाती है, वीडियो एडिटिंग है, वो सब जो सर्विसेज हैं उसके रिगार्डिंग भी जो वीडियो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। और फिलहाल मैंने काम शुरू कर दिया है, वीडियो एडिटिंग, एडसेंस और ब्लॉगर, यूट्यूब के बारे में वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आपको जल्द ही इस पर प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें हमें। और अगर आपको कोई 2C वेरिफिकेशन ऐड करने या फिर और कोई किसी भी सिक्योरिटी मामले में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप फेस जो है पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।